आज की जो क्लास है इसमें हम देखने वाले हैं कि इनहेरिटेंस कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। मैं ये बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं कि आपके सिलेबस में जो इनहेरिटेंस के टाइप दिए हुए हैं, आप इतना लिख करके सेटिस्फाई कर सकते हैं चेक करने वाले को पेपर। इसके अलावा भी कुछ अलग अलग टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं, नए नए रिसर्च हो रहे हैं, और आपको कुछ अलग अलग बुक में अलग अलग टाइप के इनहेरिटेंस के नाम देखने के लिए मिल सकते हैं। बिल्कुल भी उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे सेल्फ इनहेरिटेंस, साइक्लिक इनहेरिटेंस, रिकर्सिव इनहेरिटेंस, और भी बहुत सारे इनहेरिटेंस के नाम आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन आपको जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनहेरिटेंस क्या है, ये 4 से 5 इनहेरिटेंस आप लिख दीजिए, चेक करने वाला जो है सेटिस्फाई हो जाएगा। लिखने का तरीका जो है वो चेक किया जाता है, ना कि नंबर ऑफ पॉइंट्स को आपको देख के नंबर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ इनहेरिटेंस के नाम लिखे हुए हैं। सिंगल इनहेरिटेंस, जिसको सिंपल इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, किसी बुक में आपको सिंपल इनहेरिटेंस भी देखने के लिए मिलेगा, या सिंगल इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इसको समझना बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। आपको मैं ये बता दूं कि अगर मैं क्लास डायग्राम बनाता हूँ, क्लास डायग्राम का मतलब होता है एक क्लास को एक बॉक्स से दिखाना, रेक्टेंगल से दिखाना। यानी अगर ये क्लास है और एक दूसरी क्लास है और इन दोनों के बीच में इनहेरिटेंस हो रहा है, तो इनहेरिटेंस को हमेशा उल्टे एरो से दिखाया जाता है। मतलब ये जो क्लास है क्लास ए, और ये जो क्लास बी है, क्लास ए अपनी प्रॉपर्टी क्लास बी को दे रही है। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी देती है वो कहलाती है बेस क्लास, और ये कहलाती है डिराइव्ड क्लास। क्लियर है? तो अगर कोई इनहेरिटेंस ऐसा हो रहा है जहाँ पर एक सिंगल बेस क्लास है और एक सिंगल डिराइव्ड क्लास है, एक बेस और एक डिराइव्ड क्लास है, तो ऐसे इनहेरिटेंस को हम सिंगल इनहेरिटेंस या सिंपल इनहेरिटेंस कहते हैं। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट था। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सिंगल इनहेरिटेंस या सिंपल इनहेरिटेंस में बेस और डिराइव्ड होता है। यहाँ समझाने के लिए आपको एरो जो है उल्टा बना हुआ है, बुक में चाहे नेट में चाहे किसी और जगह पे आप सर्च करेंगे तो एरो जो है इस तरीके से दिखाई देगा। तो जहाँ पर सिर्फ एक बेस क्लास और एक डिराइव्ड क्लास है, तो वहां पर हम बोलेंगे कि सिंपल इनहेरिटेंस हो रहा है। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक पेरेंट है, उसका एक ही चाइल्ड है, तो सारी प्रॉपर्टीज उसी को मिलेगी। ये सिंपल इनहेरिटेंस कहलाता है। तो ये क्लास डायग्राम को देख करके समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं है। सिंपल इनहेरिटेंस का जो, या सिंगल इनहेरिटेंस का जो डेफिनेशन है, वो बिल्कुल सिंपल है कि सिर्फ एक डिराइव्ड क्लास होनी चाहिए और सिर्फ एक बेस क्लास होनी चाहिए। ऐसा इनहेरिटेंस अगर कहीं पे भी हो रहा है, चाहे वो सी प्लस प्लस है, जावा है, दूसरी किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो रहा है, तो वहाँ हम बोलेंगे कि सिंपल इनहेरिटेंस हो रहा है। रियल लाइफ की बात करें, अगर कोई एक पेरेंट है और उसका एक ही चाइल्ड है, तो वहां पर भी सिंपल इनहेरिटेंस या सिंगल इनहेरिटेंस हो रहा होता है। आते हैं सेकंड पॉइंट पर। फर्स्ट पॉइंट का जो कोड है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि सिंगल इनहेरिटेंस में एक डिराइव्ड रहती है, जो कल हम लास्ट क्लास में कोड किया है उसमें हम यहाँ पर सिंपल इनहेरिटेंस ही हमने किया है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख पा रहे हैं आप कि पब्लिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। यहाँ पर एक क्लास बनी है BOD नाम से, कुछ क्लास बनी है। अब मैं इस क्लास को एक बॉक्स से दिखा देता हूँ। ये बॉक्स है, ये क्लास है। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है ए बी गेट गेट ए और शो, टोटल 1 2 3 4 5 अलग अलग चीजें हैं। अब आप नीचे यहाँ पर देखेंगे कि आपको यहाँ पर सिंपल इनहेरिटेंस होता हुआ दिखाई देगा। ये आपका सिंपल इनहेरिटेंस है जहाँ पर पब्लिक और ये लिख दिया गया है। तो DOB जो है वो इनहेरिट कर रहा है BOD को, ठीक है? तो इसके अंदर भी जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं प्लस ऊपर से आई हुई प्रॉपर्टीज इसमें ऐड हो जाएंगी, ये सिंपल या सिंगल इनहेरिटेंस कहलाता है। कोड क्लियर है? इसको थोड़ा सा और, इस फंक्शन को डिफाइन किया गया है यहाँ पर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर से, इसको भी इतना फोकस नहीं करेंगे। आउटपुट दिखाया गया है, ये प्राइवेट इनहेरिटेंस का सेम एग्जाम्पल है, प्राइवेट इनहेरिटेंस का, उसको भी फोकस नहीं करना है। तो आते हैं सेकंड, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का डायग्राम आपको देख के समझ में आ रहा है कि अगर कोई क्लास ए अपनी प्रॉपर्टीज को बी को देती है, या बी ए से इनहेरिट होता है और सी बी से इनहेरिट होता है, तो आपको यहाँ पे साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि ए की प्रॉपर्टीज जो है बी में आ रही है,
और बी की सारी प्रॉपर्टी सी में आ रही है, यानी मैं बोलूँ तो सबसे पावरफुल जो क्लास है वो सी है, क्योंकि उसमें खुद की प्रॉपर्टी तो है ही, प्लस बी की भी प्रॉपर्टी है, और ए से आई हुई प्रॉपर्टी जो बी में थी वो भी है, यानी कि सी के अंदर, क्लास सी के अंदर जो है वो ए की भी प्रॉपर्टी है, बी की भी प्रॉपर्टी है, और सी की भी प्रॉपर्टी है, सबसे पावरफुल क्लास है डिराइव क्लास सी जो है, और ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहलाता है। इसको अगर हम रियल लाइफ के एग्जांपल से समझें तो ग्रैंडफादर जो है वो अपनी प्रॉपर्टी फादर को देते हैं, फादर जो है अपनी प्रॉपर्टी सन को देते हैं, क्लियर है? तो इस तरीके से मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है, और इस ये यहाँ पर आपको दो लेवल पे दिखाई दे रहा है, उसका कितना भी लेवल हो सकता है, 2, 5, 10, ऐसा बहुत सारी क्लासेस एक बाय वन बाय वन लेवल वाइज लेवल ऐसी आ सकती है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस आपको क्लियर हो गया होगा इस डायग्राम से। एग्जाम में डायग्राम बनाना जरूरी होता है, डायग्राम से ही पता चलता है कि आप इनहेरिटेंस का कंसेप्ट जानते हैं कि नहीं, और साथ ही साथ ये एरो को उल्टा बनाना है, ये समझाने के लिए ऐसा बना दिया जाता है, क्लियर? तो यहाँ पर जो सबसे टॉप मोस्ट क्लास होती है उसको बेस क्लास कहा जाता है, सबसे नीचे में जो क्लास होती है उसको डिराइव क्लास कहा जाता है, बीच में जितनी क्लासेस होती है उनको इंटरमीडिएट बेस क्लास कहा जाता है। इंटरमीडिएट बेस क्लास का मतलब होता है सी के लिए तो वो बेस है और ए के लिए वो डिराइव है, तो ये इंटरमीडिएट बेस क्लास कहलाती है। तो ऐसा ए बी सी डी कितने भी लेवल तक जा सकता है, अगर इस तरीके का आपको इनहेरिटेंस देखने के लिए मिल रहा है तो हम इसको बोलेंगे कि ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, एक से अधिक लेवल्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ थ्योरी में यही लिखा गया है कि ए अपना डेटा जो है प्रॉपर्टीज बी को दे रही है, बी अपने प्रॉपर्टीज सी को दे रही है, और कितने भी लेवल तक यहाँ पर जा सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये इसका कोड अगर देखें तो ये क्लास ए है, और इसमें कोड को डैश डैश दिखाया गया है, और क्लास ये जो बी है वो इनहेरिट हो रही है यहाँ पर, देखिए ये जो इनहेरिटेंस का कोड है, और वैसे ही सेम क्लास बी जो है वो नीचे की ओर इनहेरिट हो रही है जो सी में। अब देखेंगे क्लास सी जो है वो क्या कर रहा है, ये क्लास सी को इस डायग्राम से दिखाएं तो ये जो है बी को इनहेरिट कर रहा है, तो ऊपर जो क्लास डायग्राम बना हुआ था उसी का कोड है। यहाँ पर कोड में जो है हमने डैश कर दिया है, मतलब कुछ भी कोड होगा, तो आप यहाँ पर साफ साफ देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, न कि कोड के लॉजिक के बारे में। स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे हैं कि कैसा स्ट्रक्चर बनाया जाए, और उसके अंदर से कुछ भी कोड रखा जाएगा, और ये कोड को हम लोग इसलिए डैश डैश से दिखाए हैं। तो सेकेंड टाइप का जो इनहेरिटेंस हमने देखा वो है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, उनके कुछ कोड आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। अगले पॉइंट पर आते हैं हम, मल्टीपल इनहेरिटेंस, इसका नाम ध्यान से सुनिएगा, सबसे खतरनाक इनहेरिटेंस है ये। इस इनहेरिटेंस की वजह से कई बार प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, आगे आने वाली लैंग्वेजेस ने इसीलिए मल्टीपल इनहेरिटेंस को ब्लॉक कर दिया गया। मल्टीपल इनहेरिटेंस जो हमारी एडवांस लैंग्वेजेस हैं उसमें अलाउड नहीं है, C++ में आपको करने के लिए तो मिलेगा, लेकिन जो एडवांस लैंग्वेजेस आप जावा और ये सब पाइथन वगैरह देखेंगे वहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस डायरेक्टली अलाउड नहीं होता है, पूरी तरीके से उसको रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया, इसका कारण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अलग से टॉपिक है, मैं इसको बता दूँ कि मल्टीपल इनहेरिटेंस, इसीलिए नाम याद रखिएगा, मल्टीपल इनहेरिटेंस से एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उस प्रॉब्लम की वजह से ही आगे आने वाली लैंग्वेजेस में मल्टीपल इनहेरिटेंस को हटाया गया है। इस प्रॉब्लम को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जिसका उस प्रॉब्लम का नाम होता है डायमंड प्रॉब्लम। कुछ बुक में आपको डायमंड प्रॉब्लम, कुछ बुक में रिंग प्रॉब्लम, कुछ बुक्स में या नेट में डायमंड रिंग प्रॉब्लम ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन सबका इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं हो, कंफ्यूजन बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करना है। डायमंड प्रॉब्लम लिखा हो, रिंग प्रॉब्लम लिखा हो, या डायमंड रिंग प्रॉब्लम लिखा हो, उसका एक ही मतलब है, एक ही प्रॉब्लम है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम डायमंड रिंग प्रॉब्लम को ही देखेंगे, अभी फिलहाल यहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस को हम समझ लेते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन सा इनहेरिटेंस है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तो डायरेक्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस ना पूछ करके इस तरीके से इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी मल्टीपल इनहेरिटेंस ही लिखना होता है। पाइवा में भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन से इनहेरिटेंस में से प्रॉब्लम होती है और उसको क्यों हटाया गया है, तो ये हम अगली क्लास में देख लेंगे। फिलहाल अभी मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में देखते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, जहाँ पर दो बेस होती है, दो बेस नहीं मतलब मल्टीपल बेस होते हैं,
बेस 1, 2, 3, ऐसा 3, 4, 5 हो सकते हैं। मल्टीपल बेस क्लासेस होती हैं और एक सिंगल डिराइव्ड क्लास होती है, तो ऐसे इनहेरिटेंस को मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं, यानी बेस मल्टीपल हो गया। तो मल्टीपल के लिए यहाँ पर दो ही बनाया गया है, लेकिन आपको ये ध्यान देना कि दो पे ही लिमिटेड नहीं है। मल्टीपल इनहेरिटेंस में मोर देन वन बेस क्लासेस अलाउड है। दो हो सकती है, चार हो सकती है, पांच हो सकती है, 20 हो सकती है, 100 हो सकती है। मोर देन वन बेस क्लास है और एक सिंगल डिराइव्ड क्लास है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कहेंगे। डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा, और हमेशा याद रखना, ये देखिए क्लास, इसका डायग्राम, इसका एग्जांपल हम देख लेंगे। बहुत सिंपल है, ये मेन एक क्लास बनी हुई है और बना हुआ है, और ये मल्टीपल, ये जो डिराइव क्लास है, पॉप जो है वो डिराइव क्लास है, और पॉप में आप देखेंगे कि दो लोगों से इनहेरिटेंस हो रहा है, मैन और मैन, मल्टीपल इनहेरिटेंस, कॉमा करके दो बार दो बेस क्लास है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस का कोड करना भी बहुत सिंपल है, केवल आपको अगर वो डायग्राम दिमाग में है तो बहुत आसानी से आप कोड कर सकते हैं। अगला जो इनहेरिटेंस का टाइप है वो हायरार्किकल, जस्ट उल्टा होता है मल्टीपल का, सिंगल बेस होती है और मल्टीपल डिराइव्ड होती है। ये B1 B2 लिखा है, असल में थोड़ा सा गलती हुई है, D1 B2 होना चाहिए, डिराइव्ड 1 डिराइव्ड 2, स्टूडेंट का ये बी और डी में सेम प्रोनाउंसिएशन होने की वजह से गलत लिख लेते हैं। तो सिंगल बेस क्लास और मल्टीपल डिराइव्ड क्लास अगर होती है तो इसको हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं। हायरार्किकल इनहेरिटेंस बहुत ही अच्छा इनहेरिटेंस होता है, और ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला इनहेरिटेंस है, ठीक है। इसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, ये अलाउड है। तो इसका भी कोड बिल्कुल सिंपल आप देख पा रहे हैं कि अगर एक क्लास मैंने ए बनाई है, इसके बीच में कोड ना लिख करके डैश डैश कर दिया है, तो अगर बी ए को इनहेरिट कर रहा है, सी भी ए को इनहेरिट कर रहा है, और डी भी ए को इनहेरिट कर रहा है, तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस है। हायरार्किकल और मल्टीपल में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए डायग्राम आप याद रखिएगा। हायरार्किकल में ऐसा हायरार्की जैसा बना होता है, मल्टीपल में उल्टा होता है इसका। अब अगला जो लास्ट इनहेरिटेंस का टाइप होता है उसको हम बोलेंगे हाइब्रिड इनहेरिटेंस, और ये कॉमन इनहेरिटेंस है। इसमें सभी टाइप के इनहेरिटेंस का मिक्सचर होता है। मिक्सचर मतलब सिंगल भी देखने के लिए मिलेगा, मल्टी लेवल भी देखने के लिए मिलेगा, मल्टीपल भी मिलेगा। कोई भी चार इनहेरिटेंस अगर आप ऊपर जो पढ़े हैं उनका कोई भी तरीके का कॉम्बिनेशन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं किसी भी प्रकार का, तो उसका हाइब्रिड मतलब मिक्सअप होता है, तो इस तरीके का हाइब्रिड इनहेरिटेंस हमने देखा। तो ये पांच अलग अलग टाइप के इनहेरिटेंस हमने देखे, और इतने को ही आप अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं तो ये अच्छा आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्लास में हम डायमंड रिंग प्रॉब्लम के बारे में देखेंगे।